ये देखो स्टारबक्स का बिल। बर्गर की रूह निकाल के आपको तो ये बन गया रूह बर्गर। ये देखियो ये बोल रहे थे ना 150 का कुछ है, देखियो एक बार वो सामने। ये लोग भी यही सोच के लगे हुए कि 150 में तो क्या ही जाता है, ढूंढते हैं। I'm a boy. Really? Yeah. Sweet 16. Sweet 16. हाँ जी, तो ट्रेड फेयर के बाद हम पहुंच गए हैं सीपी। वेलकम टू आवर न्यू ब्लॉग। और सीपी में जो है, क्योंकि कुछ खाने पीने का ढूंढने पहुंचे थे हम, क्योंकि हमने ट्रेड फेयर में तो सिर्फ पाव भाजी मिली हमें, जो वो भी ठीक ठीक थी। तो सबसे पहले हम गए लॉर्ड ऑफ द ड्रिंक्स। तो एक बार देखिए इसको कि कैसे है ये। यहां से हम तो एंट्री करते टाइम अच्छा लग रहा था कि हाँ कुछ अलग सा दिखा पहली बार ऐसा, ठीक है। मतलब जितने भी कैफेज में हम गए ऐसे नहीं था कि ऊपर जाके और इस टाइप का हो, तो ऐसे इन्होंने काफी अट्रैक्टिव सी चीजें लगा रखी थी। म्यूजिक चल रहा था, हम ऊपर गए, ऐसे झूमर वगैरह भी काफी अच्छे अच्छे आपको देखने को मिल रहे होंगे। सो ये सारी चीजें जो है थी, नाइस प्लेस, एम्बियंस वाइज गुड, बट शायद जो लोग ड्रिंक करते हैं उनके लिए ज्यादा बेटर है ये। झूमर बहुत अच्छा है, ठीक है। सो ड्रिंक वालों के लिए ज्यादा बेटर रहेगा, अदरवाइज बाकी लोगों के लिए आई थिंक जो वेज हैं या जो ड्रिंक नहीं करते हैं उनके लिए सिर्फ फोटोज खींचने की एक जगह बोल सकते हैं, या फिर अगर शाम के टाइम जाएं तो म्यूजिक का एक ऑप्शन अच्छा यहाँ पे हो सकता है कि लाइव म्यूजिक हमें देखने को मिले। तो हमने कुछ नहीं किया यहाँ पे, मेन्यू चेक किया, सारी चीजें देखी, इधर उधर से फोटो वोटो ली, बहुत सारी फोटोज खींच खिंचा के हम लोग जो है बाहर निकल गए यहाँ से। तो जी अभी हम जो है सीपी की सड़कों पर घूम रहे हैं, और एक कैफे में गए थे लेकिन वहाँ हमें कुछ भी खाने पीने का पसंद नहीं आया। आप बताइए, आप पूछिए, बोलना भी हूँ क्या करिए, बोल कुछ भी बताइए। थक गई हूँ प्रगति मैदान में चल चल के, और बस हम ढूंढ रहे हैं लॉर्ड ऑफ ड्रिंक्स करके था, हमें लगा उसमें लाइव म्यूजिक भी होगा, बट वो म्यूजिक रात के लिए। उसके बाद हम गए जी स्टारबक्स, पहली बार गए थे हम, और जगह जो है वो काफी ठीक है यहाँ पे। अगर हम एम्बियंस वाइज देखें, ये यहाँ पे बहुत सारे मग हैं, ऑब्वियसली जो बहुत महंगे होंगे अगर आप कभी खरीदें तो इनको, ठीक है। मग से आगे जब हम चलेंगे तो यहाँ पे खाने पीने की चीजें या ये ड्रिंक्स लगी हुई हैं, फिर खाने पीने की चीजों में लिमिटेड चीजें हैं, ठीक है, मेन्यू में, बट बहुत महंगी है, ठीक है। तो हमने इसमें से कुछ प्लेटर लिया सिलेक्ट करके, क्योंकि हम पहली बार ही देख रहे थे, और ये यहाँ पे मेन्यू लगा हुआ था पूरा का पूरा, जिसमें सारे के सारे पैसे लिखे हुए थे कि कौन सी चीज कितने की है। ऑब्वियसली स्टारबक्स कॉफी के लिए काफी फेमस है, ये यहाँ पे हमें पेमेंट कर रहा है जितने पैसे हो गए। एक्चुअली ये पेमेंट के लिए पूछ रहा है कि मैं टोटल कर लूं कितने हुए हैं। तो ये टोटल करके फिर जो है इसने पे किया। सबसे अच्छी चीज जो है मुझे यहाँ पे लगी वो क्या थी, एम्बियंस। यहाँ पे जो चीजें अलग अलग टाइप की बनी हुई थी, जैसे ये जो होता है ना जिससे खाट बनती है, चारपाई बनती है अपनी, जेवड़ी बोल देते हैं हरियाणवी में तो, ठीक है, या जिसको क्या बोलते हैं, बाण भी बोल देते हैं, ठीक है। तो ये उससे बना रखी थी ये सारी चीजें जो लटक रही हैं। बेसिकली बहुत खर्चा नहीं हुआ होगा इसको बनाने में, बस क्रिएटिविटी लगी। सबसे बढ़िया चीज ये एजुकेशन वाली लगी कि इनकी यहाँ से, मतलब आप वॉलेंटियर कर सकते हैं गर्ल एजुकेशन को एम्पावर करने की। तो स्टारबक्स में जो है जी खुद की सर्विस होती है, सेल्फ सर्विस। तो ये अमित वेट कर रहा है यहाँ पे कि हमारा ऑर्डर कब तक रेडी होगा, ठीक है, और ये हेलो बोलना कैसे छोड़ सकता है, तो ये लीजिए, ठीक है, ये ऑर्डर आ गया है हमारा। अभी सेल्फ सर्विस है तो हमें खुद ही लेके जाना पड़ेगा, बेसिकली इतने सारे पैसे दो और फिर खुद ही उठा उठा के हांडो। तो बस ये लेके हम आ गए, और आने के बाद अगर देखेंगे तो यहाँ पे एक यूनिक चीज होती है कि आपके कप के ऊपर यहाँ पे आपका नाम लिखा होगा, अमित का नाम है यहाँ पे जी, किसी और के नहीं है, मतलब गलती से। ये पता क्या है, ये ट्रफल। ट्रफल क्या है वैसे, इसमें चॉकलेट में है ना ट्रफल, हाँ पता कितना कितना महंगा होता है ट्रफल, किसको बता रहा, तुम्हें और खुद को। बस ये एक सैंडविच टाइप की चीज थी, मुझे बस यही अच्छी लगी थी, और एक ये अंगूर, ठीक है, बाकी और एक पनीर था वो अच्छा था, बाकी सारे तो बस मत ही पूछिए कैसे थे, वो आपको अमित के एक्सप्रेशन से पता चलेगा। तो
इधर से भी लो, फॉलो इसको, पिज्जा वाली फील आई मुझे, फील तो नहीं, पिज्जा वाली थोड़ी सी ये स्टफ की वजह से वही सेम है। तो सैंडविच अमित को अच्छा नहीं लगा, उसके अलावा एक ये चार पांच गाजर सी थी जो शायद विनेगर में डाल के दे रखी थी, तो उनका टेस्ट भी कुछ खास हमें लगा नहीं दोनों को ही। ठीक है, उसके बाद एक ये पता नहीं उपमा टाइप की चीज थी या क्या थी, आई डोंट नो, बट बहुत कैसी थी ये बताएगा। लेके जाता है क्या, खा के देखो नहीं तू बता। जल्दी खा के देख, स्टारबक्स में आए हैं यार, ऐसे कैसे खाओगे, खाओ जल्दी, खाओ खाओ रवि, ना शक्ल दिखा, ये किसी को नहीं पता, ये वाली मस्त बेकार है, ये वाली भी अच्छी नहीं है, ये ठीक है, कैरिटी है तो किसी चीज में डिफरेंट क्या है, अचार लग रहा है दिस, यही बचे। बताइए जी, स्टारबक्स की कॉफ़ी कैसी लगी आपको? मुझे कॉफ़ी वैसे ही अच्छी नहीं लगती, और मुझे ये भी अच्छी नहीं लगी। नहीं, मुझे ये तो बिल्कुल नहीं अच्छी लगी, घर वाली अच्छी लगती है। हाँ, घर बना लेते हैं ना जो कोल्ड कॉफ़ी, वो तो फिर भी बहुत अच्छी लगती है, बट ये वाली तो यार मजा ही नहीं आया। नाम सुना था स्टारबक्स, जैसे तो पता नहीं क्या मिलता है, बस वो एक एम्बियंस हो जाती है थोड़े ऐसे सीन से, ऑब्वियसली ना ढाबे में अगर, और उसमें हम फर्क देखें स्टारबक्स, नॉइजी नहीं है, मतलब ऐसे मैसी नहीं है, लोग बैठे आराम से चुपचाप या तो अपना काम कर रहे हैं या आपस में बातें कर रहे हैं, थोड़ा वो भी बहुत धीरे, ऐसा नहीं कि और क्या चाहो। So it was nice, ambience wise. Anything else? Be happy, keep smiling. चलो जी, मुझे नहीं अच्छा लगा स्टारबक्स, मे बी नेक्स्ट टाइम ना प्रेफर करूँ मैं। फर्स्ट टाइम, हाँ फर्स्ट टाइम गए हम स्टारबक्स। ओके, बाय बाय। बाय बाय, बंद कीजिए। नहीं करूँ। हद। अब तो बिल्कुल ना करूँ। ये देखिए जी, सीपी की गलियों में घूमते हुए ये लोग। सीपी की गलियों। कौन है ये? आप कौन है? आप कौन है? आप ये मैं हूँ, ये सीपी, ये पता नहीं कौन है। जब से पीछे बढ़ के फोटो खींच रहा है। मैंने नहीं खींची ये फोटो सेशन, किसी का खराब नहीं करना है हमें ना। आप कहाँ हो? सारे लोग फोटो खींच रहे हैं, इसके बीच में नहीं जाना चाहिए। हाँ, हमारी भी खराब कर सकते हैं ना लोग। भीड़ है भाई, काफी है, ट्रेड फेयर में भी काफी भीड़ थी, वहाँ तो बहुत ज्यादा थी, बहुत ज्यादा, आई थिंक सिटी में भी इतनी होती है, मैंने सुना है लोग। इससे बेटर हमारी गीता जयंती है वैसे, पर वो ट्रेड फेयर था ना, व्यापार मेला, गीता जयंती में एक कल्चरल फेस्ट हो गया वो, है ना, कल्चरली तो हो गया। हाँ जी, क्या देख रहे हैं सीपी की गलियों में आप? एक बार देख रही, आंखें बंद कर लो। नहीं, आंखें तो मत बंद करो। सी एक मतलब हाईफाई कैफे भी सीपी है, और यहाँ पे लोग एक स्टॉल से वो कपड़े खरीद रहे हैं, वो भी सीपी है। तो ये सारा जो है सीपी का एरिया है। ये बेंगल डेल करके कुछ है, चलवा जी आप। जिंदगी का रुख है, एक सौ पचास के रवि ना, 150 बोले उसने, 150 सभी लोग खड़े हैं, 150 ये है बैंगर्स डिलाई है, दिल्ली है, छोड़ दे, कुछ नहीं था अंदर, बनाना एंड रम क्रीम करके कुछ लिखा हुआ था, मतलब बेसिकली कॉफी टाइप से भी चीजें थी। हाँ, कहाँ जा रहे हैं हम? घूम रहे हैं। यहाँ पे कुछ और किया, एक सेकंड रोकिए, वाटा बर्गर, ठीक है, वाटा बर्गर, वाटा बर्गर नहीं, वाटा बर्गर नहीं, वाटा बर्गर, वाटा बर्गर, आटा बर्गर, आटे का तो नहीं। This is the last place, फिर हम जाएंगे न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन, तो हमारा ट्रेन हमारे बिना चला जाएगा। बर्गर की रूह निकाल के आपको। तो ये बन गया रूह बर्गर।
चले जी। ये रू बर्गर है, ये वाटा बर्गर है। रू बर्गर जो है वो वाटा बर्गर से सस्ता है। सस्ता है। इतनी जोर से बोला तो सबको सुन जाएगा। ओके बाय। चले आ जाइए जी। कितनी मेहनत की आपने रू बर्गर को एक्सप्लेन करने में ना। व्हाट अ रू बर्गर, कॉम्बिनेशन ऑफ व्हाट अ बर्गर एंड रू बर्गर। व्हाट अ रू बर्गर, ये हम जो है कुरुक्षेत्र में ओपन करेंगे। व्हाट अ रू, लाइक बर्गर की रू निकाल दिया एंड देन यू आर आस्किंग व्हाट। बहुत भीड़ है यहाँ पे। यहाँ भीड़ तो है ही, और ये इतना बढ़िया इंसान है, इसने कुछ भी नहीं उठा रखा, सिर्फ एक पार्सल उठा रखा है। पार्सल देखो, ये चीज उठा रखी है बस, जो लेने आए थे। एडिट कर देना जो तुमने जा रही हूँ मैं। तभी नहीं देखियो, ये बोल रहे थे ना 150 का कुछ है, देखियो एक बार वो सामने। ये लोग भी यही सोच के लगे हुए कि 150 में तो क्या ही जाता है, ढूंढते हैं। देखो लोग कैसे, हाँ देखो 150 में ढूंढ रहे हैं ये कपड़े। मैं देखो चलो। हाँ जी, आप यहाँ हैं? ये मैं हूँ। मैं कौन हूँ? चश्मा है ये, पता नहीं कौन है। कैमरा नीचे कर लिया तो पता चल जाएगा कौन है। ये सीपी है, कनॉट प्लेस, कनॉट प्लेस। प्लेस राजीव चौक। चौक चौक, बस हो गया आज का। हो गया आज का, थक गए। चलो प्रगति हो गई मेरी चलते चलते। पता चले प्रगति मैदान की वजह से इतनी प्रगति हो जाए हमारी कि हम रात को उठ ही ना पाए। ट्रेड फेयर में इतना घूम लिया ना, इतना लाइफ में ना घूमे होंगे हम एक साथ, इतना इकट्ठा इकट्ठा एक साथ बिना रुके। चलते जाओ। सुबह ट्रेन में खड़े रहो, बाद में ट्रेड फेयर में। ट्रेन में खड़े रहो की स्टोरी बताओ, बहुत लंबी स्टोरी है। ट्रेन में खड़े रहोगी स्टोरी ये है कि मुझे तो पता ही नहीं था कि जो नॉर्मल रेलवे ट्रेन होती है, मतलब रेलवे, इंडियन रेलवे वाली, पैसेंजर वाली, उनमें स्पेशल डिब्बा होता है लेडीज के लिए, ठीक है। हमें नहीं, मतलब मुझे नहीं पता था, इसको शायद ध्यान नहीं था। मुझे, मैंने एक्चुअली देखा नहीं, पता तो था मुझे, देखा ही नहीं। हम सुबह सुबह खाली ट्रेन में चढ़े और हम फिर भी लेडीज डिब्बे में चढ़ गए, क्या बात है। फिर जब हमें पता चला कि ये लेडीज डब्बा है और थोड़ी देर बाद इसको बाहर निकाल रहे थे वहां से, निकलो क्या कर रहे हैं यार, देखो डंडा लेके पीछे पड़े हुए। मैंने कहा यार मुझे नहीं पता था, बताओ पता होता क्यों बैठता मैं। बोल मैं नहीं जानती इसका। मैंने दिमाग में सोच लिया था अगर ये लोगों ने बाहर निकालने शुरू किए ना पीट पीट के, आई विल बी लाइक आई डोंट नो यू, हु द हेल आर यू। चार घंटे की जर्नी थी सुबह, मैंने ये सोच लिया ट्रेन में इंसान को डिस ऑन कर दूंगी कि मैं नहीं जानती इसको। 2.5 से 3 घंटे मैं लगातार खड़ा रहा हूँ। मैंने ऑफर किया था बैठ जा थोड़ी देर, बट नहीं, महान बनना था, महान भी बनना था यार। अब लेडी को खड़ा करके, लेडी मैं जानती था, गर्ल को खड़ा करके, आई एम अ बॉय रियली, या स्वीट 16, स्वीट 16 बहुत हो गया ना। 16 तो तू कहीं से नहीं है। नहीं मेरी बस थोड़ी सी दाढ़ी है, थोड़ा सा लगा लूं कि हां लोगों को ओके, 16 नहीं है वो। ये एंगल नहीं लिया मैंने कैमरे का, ये ज्यादा अच्छा आ रहा था। दोबारा बोलो जितनी चीजें बोली, मतलब है यार ये सही आ रहा है देखो तो दोबारा। मैंने ये क्यों लिया फिर, पता नहीं तुम्हारा दिमाग खराब है। भीड़ तो यहाँ दिख रही है, किसी भी में खड़े हैं ये लोग, अदरवाइज क्या प्रूफ है किसी भी में खड़े हो। ये देखो स्टारबक्स का बिल कितना है, 1100 रुपए जो आपको प्लेटर दिखाया था, 1100। मतलब मजा नहीं आया जो भी था, बस तुमने खा लिया जितना। स्टारबक्स का नाम सुना था बट नाम ही है यार, बस नाम मजे नहीं। बड़े और दर्शन छोटे मेरे छोटे इतने छोटे, इससे भी छोटे, मैं तो फिर भी मीडियम रेंज में। चलिए चलते हैं यार, हाथ भी दुखने लग गए मेरा, स्टिक खरीदनी पड़ेगी। पैर दुखने लग गए, स्टिक खरीदने के लिए पैसे भी तो होने चाहिए, सारे तो स्टारबक्स में दे रहे हैं यार। स्टार्स दिख रहे हैं, मैंने उसको बोला तीन चीजें होंगे, तीन है ना, तीन, एक पनीर वेज, पनीर वेज प्लेटर, वेज प्रोटीन प्लेटर,
ठीक है, वेज प्रोटीन प्लेटर, उसमें सारी चीजें प्रोटीन वाली थी। सेकंड ट्रफल वाली जो है एक ट्रफल केक, ट्रफल केक, और ट्रफल का तो मैंने बताया ही होगा आपको कि कितना महंगा, बताया नहीं है आपको, नहीं बताया मैंने अपने चैनल पे बताया, सॉरी, बहुत महंगा होता है यार वो। तो अभी ये जो ट्रफल का नाम, अभी ये ट्रफल करके हमें जो दिया ना इन्होंने, थोड़ा बहुत उसमें मिक्स होगा, तो वो नेचुरल नहीं होता, वो ओरिजिनल नहीं होता, उसी तरह के जो है सिमिलर केमिकल कंपाउंड डालते हैं, और ताकि उसी तरह का जो है फ्लेवर हमें पी लो, जैसा कि इसमें होता है, ट्रफल में होता है, नेचुरल ट्रफल में होता है ऐसा। तीन चीजें में वेज प्रोटीन प्लेटर, सेकंड क्या था, कॉफी, कॉफी, तो तीन चीजें वेज प्रोटीन प्लेटर, बस सेकंड बताएगा कोल्ड कॉफी, तीनों का बिल जो है उसने बोला कि सर 1100 पे कर दीजिए, बाद में आपको देंगे कुछ तो मैंने कहा मैं जोड़ लूं पैसे तो यार मैंने कर ये वहां पे कह रहा मैं ऑब्वियसली ना क्या करना, ऐड ही करने थे तीन के प्राइस, यानी कि मेरे 2-4 सेकंड में हो जाता, तो मैंने टाइम लिया, मैंने जोड़े, तो कर लो 1100 वर्दी नहीं लगा मुझे एक्चुअली ना, 1100 के बराबर नहीं लगा, चलो बट फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस नहीं लगी ना, वो खटक रहा है, वो खटक रहा है, 1100 का इशू नहीं लगा, शिट यार, चले न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन, नहीं तो वो ट्रेन हमको छोड़ के चला जाएगा, ये एंगल सही था यार, और फिर मैंने एंगल गलत ले, बस है, बस चले, बस में नहीं जाना हमें, ट्रेन पे चलते हैं, चलो चलते हैं, ओके मिलते हैं आपको न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन, बाय 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 बाय, फिंगर, ओके बाय।